नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और माता के भक्त नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। नवरात्रि के दौरान माँ के भक्त व्रत रखते हैं और माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना करते हैं। लेकिन भक्तों को नवरात्रि से जुड़े कुछ नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए। व्रती होने के बाद भी अगर आप इन नियमों को तोड़ते हैं तो आप माता की कृपा दृष्टि से वंचित रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन नियम के बारे में। नंबर 1, ऐसे कपड़े पहनने से बचें। नवरात्रि के दौरान सादे कपड़े पहनने चाहिए। इस दौरान काले कपड़े और ज्यादा चटकीले कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। साथ ही चमड़े से बनी वस्तुएं भी नवरात्रि के दौरान नहीं पहननी चाहिए। नंबर 2, बिस्तर पर सोने से बचें। नवरात्रि में व्रती लोगों को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि के दौरान आपको जमीन पर अपना बिस्तर लगाना चाहिए। जमीन पर सोने से अनिद्रा की परेशानी भी दूर हो जाती है। नंबर 3, पाठ के उच्चारण में ना करें गलती। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा के पाठ के दौरान उच्चारण में गलतियां ना करें। उच्चारण नहीं जानते हैं तो माता के बीज मंत्र का जप करना भी पर्याप्त रहेगा। नंबर 4, किसी का अपमान करने से बचें। नवरात्रि के दौरान महिलाओं, कन्याओं या फिर बुजुर्गों का किसी भी हाल में अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप माता की कृपा से वंचित हो सकते हैं, तो ऐसा करने से बचें। अगर इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता की उपासना करते हैं तो माता की अपार कृपा आप पर बरस सकती है।